बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ है मूंग मसूर की दाल। बड़ी अच्छी मज़ेदार बनती है और वेरी सिंपल एंड इजी। तो ये मैंने जो है आधा कप जो है बड़ा मैंने मूंग की दाल ली थी और आधा कप ही मैंने मसूर की दाल ली थी। दोनों को धो के मैंने इसमें कुकर में चढ़ा दिया है। अब इसमें जो है मैं एक छोटी प्याज और एक मैंने दरमियाने साइज का टमाटर लिया था वो भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें एक छोटा चाय के चम्मच के बराबर कुटी लाल मिर्च डालूंगी, पिसी भी नहीं डालूंगी, अगर आप चाहें तो डाल दें। और इसमें आधा चाय का चम्मच जो है मैं हल्दी डालूंगी और एक चाय का चम्मच जो है नमक डालूंगी। अगर नमक कम लगे तो आप ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। बस अब इसको बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए हमने सब चीजें डाल दी है। अब मैं इसका कवर कर दूंगी और उसको 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैं कुकर में रख रही हूँ जल्दी बनाने के लिए। और फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें बघार क्या क्या जाएगा। दाल हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब जो है मैं इसका बघार तैयार करूंगी। ये मैंने बघार के लिए ऑयल लिया था, इसमें 4 लहसुन के जवे डाले और ये मैं थोड़ा सा जीरा इसमें ऐड किया है। ये हमारा बघार बन चुका है। इसमें मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाली है। ये कड़ी पत्ता भी इसमें चल चुका है और ये मैं लाल मिर्च डालूँ। ये हमारा भगवान बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें दाल में तड़का लगाऊंगी। हमारी जो है ये मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।